ये सब्जी आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, जिसके साथ खाना चाहे इंजॉय कर सकते हैं। पंचफोरन है इसकी रेसिपी, चलिए देखते हैं आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने साथ खुश होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक आलू की सब्जी जो इजीली बन जाती है, आसान से, ज़्यादा मसाले नहीं होते, जिसमें मगर लगते हैं पंचफोरन। ये जितनी पांच चीज़ें आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं पंचफोरन। राई जीरे का तड़का तो हर कोई लगाता है, अगर इस तरीके से ये चीज़ें मिक्स करके अगर आप आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है इसमें और जायका बढ़ जाता है। और जिसके लिए हमने लिया है पंचफोरन के लिए एक बड़ा चम्मच बारीक सरसों और उसी सेम मिकदार में जीरा लिया है एक बड़ा चम्मच, ठीक है। आधा चम्मच हमें लेना है कलौंजी, ठीक है। कलौंजी सबको पता है इजीली अवेलेबल होती है हर जगह पर, ये कलौंजी लेना है। कलौंजी के भी बहुत फ़ायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ साथ आधा चम्मच सौंफ लेना है, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच से थोड़ा सी कम मेथी। मेथी के भी बहुत सारे फ़ायदे और जायके, ये जितनी भी चीज़ें इन सब के बहुत फ़ायदे और इसका जायका भी बहुत बढ़िया होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, एक चम्मच राई, एक चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच सौंफ और आधे चम्मच से कम मेथी दाना, इन सबको हमें कर देना है मिक्स, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करके एक सूखे डब्बे में, बोतल में भर के रख देना है। जब भी आप आलू की सब्जी बनाओ इसका तड़का लगाओ तो वाह क्या कहने। चलिए इसे मिक्स करके एक बोतल में भर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का बताते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटी सी बोतल में ये भर के रख लिया है, ठीक है। इस तरीके से एयर टाइट बोतल में आप भर के रख दें और जब भी आप आलू का तड़का लगाएं इस तरीके से लगाएं, इसका तड़का देकर आपको खाने का जायका ही कुछ और लगेगा, आलू की सब्जी का मज़ा ही कुछ और आ जाता है। हो गया तड़के का रेडी, ठीक है। अब उसी के साथ साथ हमें लेना है 4 से 5 मिर्ची, आप के ऊपर डिपेंड है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो बढ़ा लें, कम खाते हो तो कम कर दें, ठीक है। उसी के साथ साथ एक छोटा सी लहसुन लेना है जिसे मैंने एक कूट कर और बारीक बारीक टुकड़े में काट दिया है, थोड़े सी कड़ी पत्ते और एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया। और आलू है, 3 बड़े आलू मैंने धोकर अच्छे से पानी ड्रेन करने के लिए इस छन्नी में रख दिया है। चलिए बनाते हैं। ये देखिए हमने कढ़ाई रख दी है गरम होने, इसमें हम ऐड करते हैं ऑयल। ये देखिए हमने इसमें शामिल कर दिया है ऑयल, ठीक है। अब इसमें हम डालते हैं, ये देखिए ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हमें लगभग 1 टीस्पून ये उससे थोड़ा सी ज़्यादा भर के, आपके आलू पे डिपेंड है आपने आलू कितने लिए हैं वो उस हिसाब से आप शामिल करिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सी कड़कड़ा रहा है, देखिए माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें इसमें मंगरेला है, सौंफ है, मेथी दाने, राई दाने, ज़ीरा है, इसकी खुशबू जब मिक्स होकर एक साथ आती है ना, वाह ऐसी सुंदर सुंदर खुशबू बहुत मज़े की लगती है। उसी के साथ साथ हमें शामिल करना है लहसुन, हरी मिर्चें, करी पत्ते और उसी के साथ प्याज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें डालकर इसे हल्का हल्का हिलाना है, माशाल्लाह। गोश वोश खा के 2-3 दिन से अगर आप परेशान हो चुके हैं तो ये सब्जी और मस्त खिचड़ी बनाइए या दाल चावल बनाइए, मैंने तो दाल चावल बनाया है और ये आलू की सब्जी पंचफोरन वाली, ये बनाइए बहुत मज़े की लगेगी और पेट भर के आप खाना खाओगे। और वैसे भी अगर कुछ ना हो सब्जी तरकारी, अगर आपका मन कर रहा हो कि कुछ हल्का फुल्का मगर टेस्टी खाना हो तो ये ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। ये थोड़ा सी लाल होता है तब आपके साथ वापस शेयर करते हैं। ये देखिए हमारी प्याज थोड़ी थोड़ी सी लाल हो चुकी है,
हल्के हल्के से सॉटे हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसी में शामिल करना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। बस आलू की सब्जी और येलो येलो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसी में हमें इस वक्त शामिल कर लेने हैं हमारे आलू और इसे अच्छी तरीके से हिलाकर इसमें शामिल कर देना है हमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये देखिए सब्जी को बनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम अलट पलट कर देते, देखिए कितना लाल लाल कलर आ चुका है माशाल्लाह से, है ना। हमारी प्याज भी एकदम अच्छी ब्राउन हो चुकी है, आलू भी लगभग 50% गल ही चुके, अब 50% बाकी है। नहीं, मुझे तो लगता है गल ही चुके। अबे टूट, हाँ देखा। और 5 मिनट रखते हैं, दम पे देते हैं सब्जी को, इंशाल्लाह तब तक हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह से 5 मिनट हो चले हैं और हमारी सब्जी एकदम बिल्कुल तैयार है, आपके साथ अभी सर्व करके शेयर करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमारी आलू की सब्जी बनकर माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है और दिखने में जितनी मज़े की लग रही है उससे ज़्यादा खाने में टेस्ट आ रहा है। आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए, पंचफोरन आलू की सब्जी, और मज़े से खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने साथ खुश रहिए, अपनों के साथ खुश रहिए, और ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।